कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। और मैं हूँ शिल्पी और आप देख रहे हैं शिल्पी की रसोई। तो मैं आपको आज बैंगन का भुजिया बनाना सिखाऊंगी दोस्तों, क्योंकि बैंगन का भुजिया ऐसा भुजिया है दोस्तों जो सभी लोगों को पसंद होता है, बड़े तो बड़े बच्चे भी उंगली चाट चाट कर खाएंगे दोस्तों, अगर आप हमारे इस देसी तरीके से बनाएंगे तो। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बैंगन का ये रेसिपी। तो मैं बैंगन को छोटे छोटे पीस में काट ली हूँ दोस्तों, देख सकते हैं हमारा बैंगन किस तरीके से काटा है। बैंगन को भुजिया बनाते समय आप हो सके तो छोटा छोटा ही पीस कीजिएगा, इस तरीके से जैसे मैं की हूँ देख सकते हैं। और मैं इसको काट के पानी में भिगो दी हूँ, क्योंकि बैंगन को ऐसे काट के रखने से बैंगन काला पड़ जाता है, तो मैं इसको काट के पानी में डुबो दी हूँ। अब चलिए इसको उठा लेते हैं और फिर हमारा ये बैंगन का रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, तब वीडियो को पूरा देखिएगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने छान लिया है दोस्तों, और मैंने भुजिया बनाने के लिए बैंगन का क्या क्या लिया है तो आपको चलिए दिखा देती हूँ दोस्तों। इधर देख सकते हैं दोस्तों हमारा थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब थोड़ा सा जीरा है दोस्तों, आधा चम्मच सरसों, एक मीडियम साइज का प्याज जो मैं इसको छोटे छोटे पीस काट ली, और लहसुन 8-10 लहसुन की कलियां हैं जो मैं इसको छील के ले ली, और हमारा 4 हरी मिर्च है दोस्तों जो मैं इसको लंबे लंबे स्लाइस में काट ली हूँ, और इसमें हमारा मसाला है दोस्तों, इसमें हमारा है दोस्तों धनिया, जीरा, सरसों, काली मिर्च, अदरक और इतने सा और सूखा मिर्च है दोस्तों, इतना सा ही हमारा इसमें है पिसा हुआ जो मैं इसको सिला लोड़ी में पीस ली हूँ, क्योंकि मैं गांव से हूँ दोस्तों, इसलिए हमारा गांव में मतलब कि हमारे घर में सिला लोड़ी है दोस्तों, हमारे यहाँ मिक्सी नहीं है इसलिए मैं इसमें पीसी हूँ दोस्तों। यह पिसा हुआ मसाला आप देख सकते हैं, तो मैं इसको पीस के रख ली हूँ। अब सारा चीज़ हमारा हो गया है तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना हमारा बैंगन का भुजिया। अब इसमें चाहे तो तेज पत्ता भी ले सकते हैं एक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर मैं चूल्हे में कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ दोस्तों, और मैं इसमें तेल डाल रही हूँ, ये हमारा सरसों का तेल है। अब जो ऑयल खाते हैं दोस्तों वो ले सकते हैं, तो इसको हम तेल को चारों तरफ फैला लेंगे कढ़ाई के, तेल हमारा गरम हो गया है दोस्तों। पहले मैं ये डाल दूँ जीरा, सरसों, उसके बाद लहसुन, प्याज और हरा मिर्च, सभी को अच्छे से भून लेंगे दोस्तों, ज़्यादा नहीं भूनेंगे दोस्तों, इतना सा भूजेंगे कि सारा चीज़ का कच्चापन निकल जाए, प्याज लहसुन और हरा मिर्ची का। सभी चीज़ देख सकते हैं दोस्तों, सभी चीज़ हमारे भून गए हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बैंगन, इसको चला लेंगे बैंगन को, ठीक है, चलाने के बाद दोस्तों हम इसको बैंगन को ढक देंगे करीब 2 मिनट के लिए। तो हमारे 2 मिनट पूरे हुए हैं दोस्तों, मैं इसको चला लेती हूँ निकाल के। तो मैं इसको चला ली हूँ दोस्तों, वो भी धीमी धीमी आंच में इसको ही करना है दोस्तों, ज़्यादा तेज आंच में नहीं, तो फिर हमारा बैंगन जलने लगेगा। इसी तरह से मैं इसको ढक के 2 से 3 मिनट और पका लूँगी, देख सकते हैं दोस्तों, और मैं इसको 3 मिनट भून लूँगी, और देख सकते हैं हमारा बैंगन का कलर चेंज होने लगा है। जब हमारा बैंगन का कलर चेंज होने लगेगा दोस्तों, तब इस समय नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर डाल देंगे, और इसको फिर से हम अच्छे से चला लेंगे। नमक डालने के बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि हमारा बैंगन से पानी छूटने लगेगा, तो देख सकते हैं हमारा पानी छोड़ने लगा है दोस्तों, थोड़ा सा आँच आप इस टाइम तेज कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों हमारा बैंगन से पानी छोड़ने लगा था। और इसको ढकना नहीं है दोस्तों, हमको इसी तरह खुले लकड़ी चारों तरफ फैला के हमारा बैंगन का सारा पानी सुखा देना है, इस तरह
अच्छे से। सारा बैंगन का पानी सूख जाए दोस्तों, तब हमारा पिसा हुआ मसाला का जो मसाला डाल देंगे दोस्तों। इसको फैला लेंगे और पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है दोस्तों। इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। और ढक के भूजने पकाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं हमारा बैंगन एकदम तैयार है। अब मैं इसको 1 और 2 मिनट कर लूँगी, उसके बाद हमारा बैंगन का सब्जी भुजिया बन के तैयार है। तो मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ दोस्तों हमारा भुजिया कैसे बने हैं। देख सकते हैं दोस्तों हमारा गर्मा गर्म बैंगन का भुजिया बन के तैयार है दोस्तों। और किसी भी चीज़ के साथ बनिए दोस्तों, रोटी चावल पराठा किसी भी चीज़ के साथ खाइए दोस्तों, इतना अच्छा लगेगा यकीन मानिए, अब विश्वास नहीं करेंगे। और हमारे मुलायम मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट देख सकते हैं कितने नरम नरम बैंगन बनके तैयार हैं दोस्तों। तो कैसे लगा हमारा ये बैंगन का भुजिया? अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों अपने परिवार में। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक अगला वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इतना टेस्टी टेस्टी बैंगन का भुजिया।